और अब बात करते हैं रीवा जिले की, जहां तराई अंचल में जवा तहसील के बौसड़ ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम ओबरी में ककड़ेरी जंगल निकलने वाली कई छोटी नदियां व नाले उफान पर हैं, जिसके कारण पन्ना कुड़ा से निकलने वाली बड़ी नदी अत्यंत प्रलयकारी रूप धारण कर चुकी है। जंगल से सटे ओबरी गांव में नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण पूरे गांव में बाढ़ के हालात निर्मित हो चुके हैं। गांव के हर घर में पानी भरा हुआ है, लोगों का हाल बेहाल है। स्थानीय निवासी डरे हुए हैं। लोगों के घरों में रखा अनाज, खाने पीने की सामग्री बाढ़ का पानी अपने साथ बहा कर ले गया। ग्रामीणों ने पालतू जानवर, बकरी, गाय, बछड़ों को किसी तरह मुसीबत से बचाया। गांव के रहने वाले एक व्यक्ति का घर पूरी तरह धराशायी हो गया। बाढ़ के कारण गांव में रहने वाले लोगों के घर में रखा हुआ अनाज भी सब बह गया। गांव के लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और ओवरी गांव में डर का माहौल बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सुबह से नदी का जलस्तर सुबह हुई बारिश के कारण तेजी से बढ़ने लगा है। देखते ही देखते गांव के अंदर पानी घुस गया व गांव के सड़कों में बाढ़ का पानी सैलाब की तरह बढ़ रहा है। स्थानीय निवासियों की शासन प्रशासन से मांग है कि इस आपदा संकट की घड़ी में सहायता पहुंचे और जिन लोगों के मकान ध्वस्त हो गए हैं बाढ़ के कारण उनकी सहायता की जाए। ओबरी में महाभयंकर बारिश है, लोगों के घर गिर रहे हैं, इसलिए अब सब चिंता में है। इधर का ये पूरा इनका घर गिर गया है, ये पूरा एकदम चिथर गया है। ये देखिए ये पूरा उनका सामने का वो सब बह गया, वो नल बहने वाला है। ये देखिए ये नीम का पेड़ एकदम बिल्कुल हल्का बचा है उनके घर के अंदर, सभी के घरों के अंदर पानी घुस गया है। कृपया करके लाइट काट दिया जाए, क्योंकि करंट फैल रहा है, इस आगे के खंभे गिर गए हैं, इसलिए करके लाइट काट दिया जाए। बहुत भयंकर बारिश है, ये पूरा जाम हो चुका है, सबके घर गिर चुके हैं। अब जो भी ये नदी के किनारे थे एकदम उफान में है ये पटपरिया। ये देखो कहीं के दिखा दी